तो दिल्ली चुनाव के लिए बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। वोटिंग के पहले क्या है जनता का मन और किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, 7 फरवरी के लिए ये ताजा सर्वे आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का भी सर्वे आ चुका है। इससे पहले कई बड़े न्यूज चैनल ने भी अपना सर्वे दिया है, उनके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे कि किसकी बनने जा रही सरकार और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़े हर दिन बदलते जा रहे हैं। लेकिन क्या कहता है जनता का मन, इस पर भी सर्वे किया गया है। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को फायदा होगा, 61% लोगों का मानना है। और इससे कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरह से धुआंधार रैलियां हो रही हैं जिसमें पीएम मोदी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें या बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, तो दिल्ली की 20 सीटों पर किसकी बढ़त यहां पर हो सकती, क्योंकि 20 सीटें ही निर्णायक होने वाली है। सर्वे अब आ चुका है और दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर दिल्ली की 70 सीटों के लिए वोट शेयर देखे तो 40% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और 37% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में है और 4% कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन अभी भी 20 से 22% लोग ऐसे है जो तय नहीं कर पा रहे की वो किसकी तरफ जाने वाले हैं। इस पर क्या कहता है सर्वे, एक नहीं कई बड़े न्यूज चैनल का सर्वे आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ताजा आंकड़े हैं। टाइम्स नाउ के अनुसार आम आदमी पार्टी 54 से 60 सीटें जा रही है, बीजेपी को 10 से 14 सीटें, तो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें आ सकती हैं। यहां पर नीटा इंडिया न्यूज का जो ओपिनियन पोल है दिल्ली के लिए 52 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में, 11 से 18 बीजेपी के पक्ष में, तो 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। एक और आपको यहाँ पर आंकड़े दिखा दें, इंडिया न्यूज जो यहाँ पर पोल का ओपिनियन पोल है उसके अंदर 53 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन 12 से 15 सीटें बीजेपी को, तो 2 से 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर इस चैनल ने ओपिनियन पोल दिखाया है। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे 42 से 56 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो 10 से 24 सीटें बीजेपी को और 4 सीट कांग्रेस के इसके में जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर TV9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल 48 से 60 सीट आम आदमी पार्टी को, 10 से 20 सीट बीजेपी को, तो 2 सीट कांग्रेस के पक्ष में है। पोल ऑफ पोल्स का जो ओपिनियन पोल है 50 से 58 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखा रहा है, जबकि 11 से 18 सीट बीजेपी को, 1 से 3 सीट कांग्रेस के हिस्से में। यानी विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह या बीजेपी ने जो कैंपेन चालू किए थे, या यहां पर बात करें शाहीन बाग का मुद्दा हो, CA का मुद्दा हो, उसके बाद इन बड़े न्यूज चैनल ने अपना ओपिनियन पोल में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा है। ये बड़ा चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है। लेकिन पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी की वापसी हो रही दिल्ली चुनाव के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बाजी मार रही है इन ओपिनियन पोल के अनुसार। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे।